हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्ट मिचू पेज। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे एक रंगीन सफ़र। मैंने अपनी पेंटिंग्स को कैप्चर किया एक खास पेंटिंग में, और वो भी ब्राउन कलर पैलेट में। तो चाय लेके कॉम्फी हो जाओ और चलिए आर्ट के सफ़र में चलते हैं। तो मेरा नाम है सोनाली और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इमोशंस और आर्ट की मैजिकल दुनिया। हाल ही में नेचर ने मेरे अंदर बहुत बड़ा और बहुत अविश्वसनीय जादू भरा, और मैंने उस मैजिकल मोमेंट को कैप्चर करने का फैसला कर लिया ब्राउन कलर पैलेट में। तो चलो मूड सेट करते हैं। वो दिन याद है आपको जब आप एक अलग लेवल की खुशी महसूस करते हैं? वही मेरे साथ हुआ। मैं छत पे गई प्रकृति के बीच और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। अच्छा हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि छत पे जाना बहुत मेहनत की काम है तो यार राइट, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। फिर इमोशंस को आर्ट में बदलने का जो फैसला मैंने किया, तो वो मेरे दिमाग में तब आया जब मैं छत पर घूम रही थी, और फिर मैं जल्दी से नीचे भागी अपने स्केचबुक और आर्ट सप्लाईज को लेकर। लेकिन फिर वही सवाल आ गया, वो क्लासिक आर्टिस्ट का सवाल, बनाया क्या जाए। तब याद आई एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट ब्राउन कलर पैलेट ट्राई करने की। या चैलेंज एक्सेप्टेड। सो पेंटिंग का प्रोसेस क्या रहा? मैंने इस पेंटिंग पे काम करना शुरू किया एक हार्ट शेप डाल के प्यार को सिंबलाइज करने के लिए, और इन्जॉय द लिटिल थिंग्स लिखा, क्योंकि सच में असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी होती है। चाहे फिर वो एक मुस्कान हो, पत्तों पे गिरे ओस की बूंदें हों, और वो छोटी छोटी खुशियाँ जो बिना भूले हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक सनफ्लावर बनाया मैंने जो सूरज की तरफ बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आज की कहानी इस क्रिएशन के पीछे। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिस्टिक जर्नी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना फॉर मोर क्रिएटिव एडवेंचर्स। जाने से पहले मेरे पास एक बोनस सवाल भी है, एंड वो ये है कि इससे पहले कि हम कंक्लूड करें अपने इस वीडियो को, एक छोटा सा सवाल, फन सा सवाल। क्या तुम्हारा फेवरेट कलर पैलेट तुम जानते हो? अगर हाँ तो कौन सा? आप अपना जवाब कमेंट्स में प्लीज़ ड्रॉप करें। Therefore, signing off. Thank you, दोस्तों, for being part of this artistic journey. मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए, keep creating and spreading these positive vibes. Bye.